सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की। मंचस्थ महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय, भारत एवं वात्सल्य मूर्ति दीदी माँ, हमारे परमार्थ की प्रतिमूर्ति चिदानंद मुनि जी, शांति कुंज से पांड्या जी, हमारे कोठारी जी एवं समस्त गणमान्य जन, हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला के समस्त पदाधिकारी, प्रथम तो मंच पर विद्यमान अतिथियों का मैं हमारी इस राजस्थान की भूमि पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, क्योंकि हम तो यहीं से हैं, मैं और उपराष्ट्रपति जी, तो दीदी माँ का, चिदानंद मुनि जी का है, हमारे यहाँ पर घणी खम्मा कहा जाता है जब अतिथि पधारते हैं, और हमारा तो उद्घोष है राजस्थान का कि पधारो पधारो हमारे देश, तो आप सभी हमारे इस देश में पधारे, आप सभी का सुस्वागत। हमारी अभी मुनि जी ने उपराष्ट्रपति महोदय के विषय में इतना सुंदर उद्बोधन और संबोधन किया कि इस झुंझुनू की भूमि से हमें ऐसे एक राष्ट्र की सेवा में व्यक्तित्व प्राप्त हुआ। तो आपको एक विशेष और जानकारी मैं प्रदान करना चाहूँगा कि आपकी जन्मभूमि अवश्य झुंझुनू की है, परंतु आपका जो राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ वो हमारे कृष्णगढ़ से प्रारंभ हुआ है। आप सर्वप्रथम वहीं से विधायक विजयी हुए थे, तब आपका निम्बार्काचार्य पीठागमन हुआ, हमारे आचार्य श्री से तब मिलना हुआ, तभी से आपका विशेष संबंध आचार्य पीठ के प्रति। तो ऐसे व्यक्तित्व हमारे उपराष्ट्रपति महोदय, विषय हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला, जिसके अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष में कितने सेवा प्रकल्प चलते हैं, इसका उदाहरण यहीं से हमें प्राप्त होता है। हम वो नहीं हैं जो हमारे निरंतर हम ये उद्घोष करें कि हमारी संस्कृति में हम कितनी सेवा करते हैं। माना जब भी उदाहरण दिया जाता है सेवा का, तो अनेक पंथों का उदाहरण दिया जाता है कि उस पंथ में इतनी सेवा होती है, उस पंथ में उतनी सेवा होती है, परंतु एक विशेष बात आप सभी ने ध्यान दी होगी, जो लोग सेवा का ढिंढोरा पीटते हैं धर्म का परिवर्तन भी वही करते हैं। और हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति में जब हम किन्हीं की सेवा करने जाते हैं तो उन्हें इस रूप में नहीं देखते, अपितु हमें तो उस व्यक्ति को भगवत तुल्य देखकर, वो जिस अवस्था में, जिस धर्म में, जिस पंथ में मानते हैं, उन्हीं में उनकी सेवा करके स्वयं को धन्य मानते हैं। हमारी तो ये वो अनादि वैदिक सनातन संस्कृति है। अयम निजह परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये उद्घोष हमारी संस्कृति ने किया है, हम तो उस संस्कृति के संवाहक हैं। तो हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला जो हमारे रुंगटा जी एवं आपके सभी सदस्य गणों ने प्रारंभ किया है, मैं प्रथम शायद मेले में मेरा आगमन हुआ था, सोमकांत जी मुझे निश्चित करेंगे, तब भी मेरा आगमन हुआ था, और तब से लेकर ये यात्रा इसी प्रकार प्रवाहित हो रही है। अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारी इस अनादि वैदिक सनातन संस्कृति, हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ाने वाली यह हिंदू आध्यात्मिक सेवा मेला। और मेले की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारी सेवा इतनी विशाल है, हमारी इतनी संस्थाएं अपना सर्वस्व समर्पण करके राष्ट्र की सेवा में सदैव संलग्न है, तो इस मेले को इसलिए बनाया गया कि हम इतने व्यापक हैं, इतने विशाल हैं, इतने सुसंपन्न हैं कि हमें यह दिखाने के लिए मेला आयोजन करना पड़ता है कि आप आकर देखें कि हम किस प्रकार अनादि वैदिक सनातन संस्कृति की सेवा कर रहे हैं। और मैं अध्यात्म सेवा मेला के समस्त पदाधिकारियों को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि आप इस प्रकार इस सेवा के माध्यम से, इस मेले के माध्यम से हमारे समस्त हिंदू समाज को
जागृत कर रहे हैं, सभी को ये बताने का अवसर कर रहे हैं, सभी को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हमारी सनातन संस्कृति, हमारा हिंदुत्व, हमारा हिंदू समाज भी सेवा में संसार में किसी से पीछे नहीं है। ये हमारा आध्यात्मिक हिंदू मेला हम सभी को बताता है। तो इस मेले के लिए बहुत बहुत साधुवाद, और ये यही कार्य करता रहेगा। अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतने सेवा प्रकल्प आप सभी को नित्य प्रति यहाँ पर जानने को प्राप्त होंगे। मैंने देखा प्रथम जो आपका संकल्प है वृक्षारोपण का और पर्यावरण संरक्षण का, तो मैं तो उस परंपरा से आता हूँ जहाँ पर निम्ब के वृक्ष से सर्वप्रथम पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया गया था हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के द्वारा। इसीलिए हमारी संप्रदाय का नाम निम्बार्क है। और आप सभी जानते होंगे, हमारे धनकर साहब तो अभी पढ़ा रहे थे, उपराष्ट्रपति महोदय, किशनगढ़ से लेके निम्बार्क तीर्थ तक हजारों निम्ब वृक्ष निम्बार्काचार्य पीठ के द्वारा वहाँ पर लगाए गए, और उनकी सेवा है। उसका उस पथ का नाम ही निम्बार्क पथ है। तो आप आकर देखें किस प्रकार सुंदर निम्ब वृक्षावली है। तो हम तो उस परंपरा से हैं, अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी को सदैव ये गौरव करने की आवश्यकता है कि हम हिंदू हैं, हम सत्य सनातन धर्मावलंबी हैं, और वास्तव में इससे कोई अधिक नहीं, हमारी संस्कृति से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं, कोई संस्कृति नहीं। बोले सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की जय के साथ में सदैव सत्य सनातन धर्म की भी आवश्यकता है। एक यही धर्म है जो इस संसार को सही मार्ग का प्रदर्शन करेगा और सही मार्ग की ओर लेकर जाएगा। ऐसे हमारे सभी यशस्वी यहाँ पर इस मंच पर विद्यमान हैं, उपराष्ट्रपति महोदय, जिनका सनातन संस्कृति के प्रति जो समर्पण है वह निरंतर हम सभी को दिखाई देता है। तो आपका भी अभिनंदन, सभी का स्वागत करते हुए, और आप सभी से यही मैं आग्रह करूँगा कि हमारी इस भारत, हमारी राजस्थान की इस परम पावन भूमि पर, जिस भूमि ने हमारे मुनि जी ने कहा कि महाराणा प्रताप को दिया, पन्नाधाई को दिया, भक्तिमती मीराबाई को दिया, पर हम अधिकांश हम भूल जाते हैं कि हम उस भूमि से भी हैं जहां पर पृथ्वीराज चौहान ने भी अपना सर्वस्व बलिदान दिया है? अजय मेरु हमारे भारत के अंतिम कहें हिंदू सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने, और ये सब देखिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, हम सेवा मेला के इस प्रकल्प में यहाँ पर उपस्थित हैं, तो इन सब सेवा का प्रकल्प देखिए। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति दीदी माँ विराजमान है, कि वात्सल्य सबसे बड़ी सेवा। परमार्थ हमारे मुनि जी, शांति कुंज पांड्या जी, सभी यहाँ पर आप सभी को इस मेले में दिखाई देंगे। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत अभ्यर्थना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् के अनुसार मैं अपने भावों को यहीं विराम देता हूँ।